हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है, क्योंकि कुछ लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं। तो मैं आपको सच्चा अनुभव बता रही हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानती हूँ, मैं जिसे बहुत अच्छे से जानती हूँ उसी के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। देखिए, मेरे यहाँ ही एक लोग के घर परिवार वाले हमेशा मंदिर में, जैसे मंदिर होता है तो लोग सुबह मॉर्निंग में जाके मंदिर की पूरी साफ सफाई करते हैं, पूजा करते हैं, तो ये हमेशा से किया जा रहा था। जैसे फैमिली है तो फैमिली में कभी मम्मी, कभी सिस्टर, कभी कोई, हमेशा से होता है कि पूजा डेली की जाती है, मंदिर की सफाई करना और पूजा पाठ करना। तो आज से नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है, मेरे यहाँ पूजा भी बहुत होती है। तो घर वाले बहुत परेशान थे, क्योंकि एक ही लड़का है और लड़कियाँ हैं, तो लड़कियों की सब शादी हो गई है, पढ़ाई लिखाई है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो लोग परेशान थे। उनका जो लड़का था इतना पढ़ाई भी नहीं करता था, नॉर्मली पढ़ता था, लेकिन वो लोग गवर्नमेंट नौकरी की वजह से परेशान थे। वो लोग चाहते थे कि बच्चे की सरकारी नौकरी लग जाए, इन सब चीज़ों को लेकर बहुत परेशान थे। लेकिन देखिए, विश्वास से कर्म अच्छे होने चाहिए, सच्ची भावना से आप भगवान से कुछ मांगते हैं तो मनोकामना पूर्ण जरूर होती है। लेकिन आपके मन में कपट नहीं होना चाहिए, मन आपका साफ होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने बारे में अच्छा सोच रहे हैं लेकिन दूसरे के बारे में बुरा सोच रहे हैं। देखिए, आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा भी। तो बजरंग बली की कृपा से, देखिए ऐसा नहीं है कि उनका लड़का बहुत पढ़ता था, दिन रात पढ़ता है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे नॉर्मली सभी पढ़ते हैं उसी तरीके से, उतना भी मैंने नहीं देखा कि उतना भी पढ़ता हो, लेकिन हाँ ठीक ठाक पढ़ाई करता था। लेकिन बजरंग बली की कृपा से, श्री राम जी की कृपा से, उनके पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की, बहुत पूजा पाठ की, तो आज गवर्नमेंट जॉब भी लग चुकी है, पुलिस में है और बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो भगवान की कृपा होगी तो आपका सब अच्छा होगा, लेकिन पूजा पाठ करते रहेंगे, श्रद्धा होगी तो जरूर होगा। जय श्री